वीडियो में हम लोग याद करेंगे कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्टियक थाइस के सभी एग्जांपल्स को, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल के बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कॉन्ड्रिक थाइस के एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कॉन्ड्रिक थाइस को कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। ठीक है, या तो आपका कॉन्ड्रिक थाइस भी दे सकता है, इसकी जगह आपको कार्टिलेजिनस फिश भी लिख के दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सो कॉन्ड्रिक थाइस के सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोग को याद रखनी है वो है पी सी टी डी सी टी। अब देखिए पी सी टी के पी से हम लोग याद रखेंगे प्रिस्टिस, सी से याद रखेंगे कॉन्ड्रिक थाइस जिसके एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं, टी से याद रखेंगे ट्राइगोन, अब डी सी टी के डी से याद रखेंगे डॉग फिश, ठीक है, सी से याद रखेंगे कार्केरोडॉन एंड टी से याद रखेंगे टोरपेडो। सो कॉन्ड्रिक थाइस के एग्जांपल्स को हमने याद रख लिया थ्रू द ट्रिक पी सी टी एंड डी सी टी। अब हम लोग याद करेंगे ओस्टियक थाइस के सभी एग्जांपल्स को। सो देखिए ओस्टियक थाइस को बोनी फिशेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब चलिए एग्जांपल को देख लीजिए। ओस्टियक थाइस के सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोग को याद रखनी वो है बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट, ठीक है, बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट। ट्रिक क्या है, बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट। तो बेटा से हम लोग याद रखेंगे बेटा फिश, ठीक है, ये एक फिश का नाम है, ठीक है, बेटा से हम लोग याद रखेंगे बेटा फिश। पीटर से याद रखेंगे टेरोफाइलम, ये से याद रखेंगे एग्जोसीटस, है से याद रखेंगे हिप्पोकैम्पस, लवली से याद रखेंगे लेबियो, कलर से याद रखेंगे क्लेरियस एंड कैट से याद रखेंगे कैटला। सो हमने ओस्टियक थाइस के सभी एग्जांपल्स को याद रख लिया थ्रू द ट्रिक बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट। थैंक यू सो मच।